सर्दियों में गेंदा दोस्तों देखने में काफ़ी खूबसूरत लगता है, अगर ये गार्डन में ना हो तो गार्डन अधूरा लगता है। ये बड़ों से लेकर बच्चों तक सबकी पसंद है और इस पौधे के बारे में आपको जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। तो दोस्तों मैरीगोल्ड की दो वैरायटी होती है, अफ्रीकन मैरीगोल्ड और अमेरिकन मैरीगोल्ड। जो अफ्रीकन मैरीगोल्ड होता है वो थोड़ा सा साइज़ में छोटा होता है, पौधे उसके 2 से 3 फीट लंबे हो जाते हैं। लेकिन जो अमेरिकन F1 हाइब्रिड होता है उसके फूलों का साइज़ काफ़ी बड़ा होता है। जैसा कि आप ये देख रहे हैं पौधे छोटे हैं और बड़े बड़े फूल इन पर आते हैं। दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखने का मकसद ये है कि आपको पूरी जानकारी मिले कि इसमें कौन सी बीमारियां अटैक करती हैं और कौन सा खाद इनको दिया जाता है जिससे कि आपको ज़्यादा फ्लावरिंग मिले, और ऐसी कौन सी टिप्स है जिससे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा फूल पा सकते हैं। तो दोस्तों इसके लिए हमें मिट्टी जो है उसकी भुरभुरी रखनी चाहिए, ज़्यादा पानी आपको नहीं देना है। ज़्यादा पानी देने से प्रॉब्लम होती है, फंगस की प्रॉब्लम आपके प्लांट में हो सकती है, उसकी रूट्स गल सकती हैं और आपका प्लांट डेड हो सकता है। बीमारियां जो है वो ज़्यादा पानी देने की वजह से आती हैं। आप हफ्ते में एक बार अगर आपने ग्राउंड में लगाया है पौधा तो आप हफ्ते में एक बार पानी दें, और अगर आपने पॉट में लगाया है तो 3 से 4 दिन के गैप पर आप गुड़ाई करके जब उसकी मिट्टी ड्राई हो जाए तब उसमें पानी दें, क्योंकि ज़्यादा पानी देने से आपके पौधे जो है वो ड्राई हो जाते हैं, प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट हो जाती है। तो पानी देने का तरीका, इसके पत्तों पर और इसके फूलों पर पानी बिल्कुल भी स्प्रे ना करें, पानी जो है वो आप डायरेक्ट मिट्टी में डालें। और क्योंकि आप अगर आप पत्तों पर या फिर फूलों पर स्प्रे करते हैं तो फंगस की प्रॉब्लम हो जाती है, जो उसके फूल हैं वो ख़राब होना शुरू हो जाते हैं, पत्तों पर फंगस की लगना शुरू हो जाती है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी चाहिए। अब दोस्तों नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो आता है सनलाइट। इसको कम से कम 6 से 7 घंटे की धूप चाहिए। अगर आप इसको छाया में लगाते हैं जहाँ पर धूप कम आती होगी तो आपका प्लांट लैगी हो जाएगा, कमज़ोर हो जाएगा और उस पर बीमारियों का अटैक भी ज़्यादा होगा। तो आप ये चीज़ हमेशा अपने दिमाग में रखिए कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा धूप की जगह लगाएं। अब दोस्तों प्रूनिंग की बात करें तो प्रूनिंग इसकी बिल्कुल नहीं की जाती, प्रूनिंग ना करें, बल्कि जो डेड हेडिंग होती है, जो फूल खिल चुका है पूरा और अब वो सूखने की कगार पर है, बिल्कुल ऐसा है कि फूल जो है वो खिलकर मुरझाना शुरू हो गया, डल होना शुरू हो गया, तो आप उसके नोटिस करेंगे जहाँ से उसकी ब्रांच निकली हुई है वहाँ से और ब्रांचेस निकली होंगी जिस पर बड़ लगे होंगे, जैसे कि ये बिल्कुल उसके ऊपर से हमें कट कर देना है इस तरीके से। ये देखिए आप कैंची या फिर कटर की मदद से या फिर प्रूनर की मदद से आप इसकी कटिंग जो है वो कर सकते हैं। फूल हटा दिया तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 ब्रांचेस हैं, 2 फूल इन फ्यूचर देखने को मिलेंगे। और दोस्तों ये प्रूनिंग डेड हेडिंग बोलते हैं इसको, डेड हेडिंग आप कर सकते हैं ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा फूल मिले और लगातार लंबे टाइम तक मिलते रहें, क्योंकि अगर आप इस पर फूल छोड़ देते हैं तो जो पूरी ताकत है पौधे की वो फूल के बीज बनाने में लग जाती है और आगे नए फूल जो हैं वो नहीं आते। तो ये चीज़ आप हमेशा ध्यान रखिएगा, ये एक टिप्स है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। अब दोस्तों फर्टिलाइज़र की बात करें तो फर्टिलाइज़र इसमें आप ज़्यादा ना डालें, फर्टिलाइज़र की इसको ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। जब आप प्लांट लगाते हैं, बेड बनाते हैं, बेड पर प्लांट लगाते हैं, तो उस टाइम इसमें आप 20 से 30% आप वर्मी कंपोस्ट या गोबर खाद मिक्स करके उसमें आप पौधे को लगा दीजिए। बोन मील हो तो आप थोड़ा सा बोन मील यूज़ कर सकते हैं, और अगर आपके पास केमिकल फर्टिलाइज़र में पोटाशियम है तो आप पोटाशियम भी मिट्टी के अंदर मिक्स कर सकते हैं। लगाने के बाद फिर आपको दोबारा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और अगर आप फिर भी देना चाहते हैं फर्टिलाइज़र तो आप जब फ्लावरिंग आने वाली हो, बड्स लगे हुए हों, फूल खिलने वाले हों, उस टाइम आप इसमें पोटाशियम की हल्का सा पोटाशियम दे सकते हैं, लगभग 1 पौधे में 1 पिंच के आसपास। और दोस्तों इसमें वाटरिंग पत्तों पर गिरने की बजाय आप डायरेक्ट मिट्टी में डालें और गुड़ाई करके, जैसे आज आपने गुड़ाई की तो आप कल इसमें वाटरिंग करें शाम को, पूरा दिन 2 दिन की धूप लगने दें ताकि जो अंदर बैक्टीरिया फंगस के हो गए हों वो ख़त्म हो जाएं और आपका पौधा अच्छे से सर्वाइव करे, अच्छे से ग्रो करे, क्योंकि हर गार्डनर यही चाहता है। अब इस पर बीमारियां जो अटैक करती हैं वो है एफिड और स्पाइडर माइट। स्पाइडर माइट जब लगेगी तो आपके पौधे के जो पत्ते हैं वो सफ़ेद होना शुरू होंगे और ऊपर ऐसा लगेगा जैसे किसी चीज़ का जाला बन गया हो, तो उसका स्प्रे आप करें। स्प्रे पंप लें 1 लीटर पानी और उसके अंदर 5 ml नीम ऑयल, 5 ml लिक्विड सोप मिक्स करके वो स्प्रे आप अपने पत्तों पर करें, जो पौधे के पत्ते हैं उस पर स्प्रे करें। और दोस्तों इसके फूलों पर स्प्रे ना करें, क्योंकि फूलों पर स्प्रे करेंगे तो फूल काले पड़ जाएंगे।
इसके पत्तों पर आप अच्छे से स्प्रे करें 2 दिन के गैप पर, जैसे आज आपने किया 2 दिन बाद फिर से स्प्रे करें, तो 2 या 3 स्प्रे में आपकी बीमारी जो है पौधों की वो ख़त्म हो जाएगी और एफिड जो है ख़त्म हो जाएगा और आपके हेल्दी पौधे ग्रोथ करते रहेंगे। तो अगर बात की जाए प्रोपगेशन की, तो इसकी प्रोपगेशन हम कटिंग से और सीड से कर सकते हैं। कटिंग से भी ये इजीली ग्रो हो जाता है और सीड से भी ग्रो हो जाता है। कटिंग से अगर आपने नहीं देखा है तो मेरा एक वीडियो है, वो आप देख लीजिए, कटिंग से कैसे मैरीगोल्ड को प्रोपगेट किया जाता है और किस तरीके से हम इसको सीड से ग्रो कर सकते हैं। सीड से ये बहुत ही आसानी से ग्रो होता है, इसलिए कटिंग से लोग ग्रो नहीं करते, सिर्फ सीड से ही ग्रो करते हैं। सीड से बहुत ईजिली ग्रो होता है आसानी से, जस्ट इसके सीड आप मिट्टी में फेंक दीजिए और वो ग्रो हो जाएंगे। तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो, पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, सोशल मीडिया पर, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि प्लांट्स से रिलेटेड इन्फॉर्मेशनल वीडियो मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूँ। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ, तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।